मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि किशनगंज में मजलिस का एंट्री बिहार के लिए नुकसान है। मैं ये कहता हूं, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि किशनगंज में मजलिस का एंट्री पूरे देश के हित में होगा और किशनगंज के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए होगा। जो हमारा किशनगंज का अटूट इत्तेफाक और इत्तेहाद है वो कभी नहीं टूटेगा। इस पर हम लोग मिलकर के काम करेंगे। उनका जो बयान है वो बिल्कुल गलत साबित है। अगले चुनाव में अगर सेकुलर पार्टी आपसे अलायंस करने को जाए तो आप सोचेंगे क्या करेंगे? ऐसा कुछ मिजाज बनाया आपने? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब है और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है जो राष्ट्र के नेता है। हम लोग फिर उस विषय में बात करेंगे। बिहार के लोगों ने बिहार के लोगों से गठबंधन के नाम पर, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दिया है। ऐसे तमाम करने के लिए लाइक माइंडेड पार्टी का समूह बनाना जरूरी है। उसके लिए हमारा प्रयास होगा और समय पर फैसला।